हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो मेरी ओर से सबको हैप्पी नवरात्रि। और यहाँ पे मैं बिठाने वाली हूँ माता रानी को, तो पूरा क्लीनिंग डस्टिंग वगैरह मैंने सब कर दिया। अभी मैं जस्ट नहाने के लिए जा रही थी और सौरभ अभी तक सो रहा है। सौरभ उठ जा भाई, नवरात्रि आज तो जल्दी उठना चाहिए ना। तो मैं नहाने जा रही हूँ और तब तक और इसको सोने देते हैं, बाद में इसको उठाती हूँ। सौरभ के पापा गए हैं मार्केट, तो कुछ चीज़ें रह गई थी वो लेके आनी थी। और आज वैसे आधी मार्केट बंद है क्योंकि आज यहाँ पे आने वाला है सीएम। सौरभ अभी बाथरूम में है तो वो नहा के आ रहा है, तब तक मैं थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। और तो फास्ट है आज, तो मैं तो चाय वगैरह फ्रूट्स वगैरह ही लूँगी। और इन दोनों के लिए मुझे बनाना ब्रेकफास्ट, तो थोड़ा सा मेकअप करते हैं। गाइस, पूजा के लिए मैं तैयार हूँ, तो अभी गाइस अभी बज गए हैं 7 और डिनर का टाइम हो गया है, तो मैं आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो आलू की मैं चाट बनाऊंगी और इनके लिए मैं सब्जी बना दूंगी, तो दोनों डिशेस तैयार हो जाएंगी। और मीठे में मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर ले रही हूँ और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे। तो डिनर में ये इनफ है। और आज फर्स्ट नवरात्रि है, तो गाइस आज मेरा बीएड सेकंड ईयर का रिजल्ट भी आ गया है। और ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं आए, बट ठीक ठाक ही आए, क्योंकि 4-5 घंटे पढ़ के फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना, तो कुछ इस तरीके से मैंने एग्ज़ाम दिए।
मैं सोच रही थी कहीं किसी एग्जाम में री ना आ जाए, क्योंकि इतनी दूर से फिर भागो वहां पे एग्जाम देने के लिए, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो कई बार यूनिवर्सिटी वाले जान पूछ के री देते हैं पैसे कमाने के लिए, बाद में फॉर्म भरो उसके लिए पैसे पे करो, तो इसीलिए बच्चे कई बार तो 0 मार्क्स भी दे देते हैं। बट थैंक गॉड कि मार्क्स ठीक ठाक आए हैं और दोबारा से मुझे एग्जाम देने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। तो गाइस ये थी आज की गुड न्यूज, और अभी मैं तैयार करती हूँ चाट, और चाट में मुझे आलू थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता ना, वैसी चाट मुझे पसंद है, तो वो मैं बनाने वाली हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी कि आलू की चाट में कैसे बनाती हूँ। और गाइस अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में हम सब्जी में लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं, तो तड़के में मैं सिर्फ जीरा और टमाटो भी डालूंगी। तो आलू मैंने कट कर लिए हैं, और सब्जी के लिए मैंने टमाटो कट कर लिए हैं, धनिया कट कर लिया है, और एक आलू मैंने मॉर्निंग के लिए रख दिया है, सौरभ के लिए मैं पराठा बना दूंगी, और ये मैंने सब्जी के लिए मैश कर दिया है। तो अब तो काम मैं साथ ही साथ करूंगी। तो पहले मैं जीरा डाल रही हूँ, अभी मैं डाल रही हूँ इसमें आलू, और इसको बीच बीच में हिलाती रहूंगी, और साथ में सब्जी में तड़का लगाते हैं। तो अभी मैं सब्जी में डाल रही हूँ टमाटो, तब ये दोनों चीजें बनती हैं, तब तक नारियल के लड्डू बनाते हैं। अभी गाइस ये क्रिस्पी हो गए हैं, और अभी मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च और काली मिर्ची, और जो लड्डू है वो भी मैंने बना लिए हैं, आपको दिखाती हूँ। तो ये हैं गाइस लड्डू, तो ये आपको थोड़े से येलो येलो दिख रहे होंगे, येलो इसलिए क्योंकि इनके अंदर मैंने गुड़ डाला है। तो लड्डुओं में गुड़ डाल के आप एक बार बना के देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं, और ये हेल्दी भी होते हैं। शुगर क्या है, मोटापा बढ़ाती है, और गुड़ से मोटापा नहीं बढ़ता। और इसके अंदर मैंने घी भी नहीं डाला, मैं घी कम खाती हूँ, ज़्यादा ऑयल मुझे पसंद होगा। इस आपको एक बार सब्जी भी दिखा देती हूँ कैसे। ये है हमारी सब्जी बिल्कुल सिंपल, बिना लहसुन बिना प्याज की, और ये है मेरा डिनर, और ये है लड्डू। टी टाइम हो गया है 10:45, और अभी हम पी रहे हैं दूध, तो स्लीपिंग टाइम हो गया है, और सौरभ की कल छुट्टी है नहीं, आज छुट्टी इसलिए थी क्योंकि आज यहाँ पे CM आने वाला था, इसलिए तो जल्दी उठना है, इसलिए व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। तो गाइस आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, होप कि आपने इंजॉय किया होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।